चलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हैकर्स जो हैं वो किसी भी कंपनी के नेटवर्क्स के अंदर आकर जो है सीसीटीवी कैमरास को कैसे हैक करते हैं और कैसे ये इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको जो है हैक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए जानने के लिए पूरा जो है प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं पूरा कि किस तरीके से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सीसीटीवी कैमरे के बारे में गैदर करते हैं। ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। अगर आप भी जो है ये सब डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस, हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी जो है एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं या आगे चल के फ्यूचर में हैकिंग की नहीं आप हैकर बनना चाहते हैं तो भी जो है ये आपके लिए कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। उसके लिए सिंपल काम करना है, tjmakat.com पे जाना है, वहां पे जाके एथिकल हैकिंग का कोर्स सर्च करना है और वहां पे पेड वाले में जाना है। फ्री वाले में बहुत ही लिमिटेड आपको जो है कॉन्टेंट जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए अभी बढ़ते हैं सीधा प्रैक्टिकल देखने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे जाकर ही मैं आपको ये पूरा का पूरा डेमोंस्ट्रेशन जो है वो करके दिखाने वाला हूं। चलिए हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सामने जो है मैं यहाँ पे काली लिनक्स को जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए कि ये जो है मैंने किया पहले से कुछ सेटिंग तो नहीं करके रखी। तो मैंने कोई सेटिंग नहीं करके रखी, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हैकर जो है वो किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे को जो है बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली यू कैन सी यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद अभी तो मुझे पता नहीं है, राइट, एज्यूम यही कर रहे हैं हम कि हमें नहीं पता है कि भाई कहां पर कौन सा आईपी एड्रेस है, या कभी भूल भी जाओ तो भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहां पे जो है वर्चुअल मशीन के अंदर है लेकिन मेरा जो फिजिकल नेटवर्क है वो कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं यहां पर कुछ चीजें आपको नहीं दिखाने वाला हूं, बिकॉज अगर दिखा दूंगा तो डेफिनेटली आप लोग जो है वही काम करने वाले जो नहीं करना चाहिए, राइट। हंसो मत, ध्यान दो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अपन यहां पे एक कमांड चलाते हैं arp-scan और उसके बाद में स्पेस देते हैं और फिर डबल डैश और फिर यहां पे लिखेंगे इंटरफेस और उसके बाद स्पेस देंगे, फिर आपका जो भी इंटरफेस हो वो आप यहां पे इफ कॉन्फिग करके चेक कर सकते हैं। मैं यहां पे इथ जीरो कर देता हूं और उसके बाद में डैश एल कर देते हैं सो दैट कि ये आपको पूरी लिस्ट दिखा दे। तो जैसे हम यहां पे करेंगे arp scan not found do you mean by ओके ARP के स्पेलिंग के गलत कर दी मैंने, इसको सही करना पड़ेगा ARP और फिर उसके बाद जो है अपन इसको एंटर करते हैं एंड यू कैन सी हमें कुछ यहाँ पे डिटेल मिली है, राइट। सो हमें यहाँ पे जो है कुछ डिटेल मिली है। अब ये जो डिटेल है वो डेफिनेटली मेरे ऑफिस के नेटवर्क की है, बट मुझे यहाँ पर हैकिंग करनी है, राइट। हैकिंग करनी है किसके लिए? सीसीटीवी कैमरे के लिए। यू कैन सी यहाँ पे जितने नाम मिल रहे हैं उसमें से मुझे एक ये नाम देखने को मिल रहा है जो कि CP प्लस यानी कि ये जो है सीसीटीवी कैमरे का, बट स्टिल अगर आप श्योर नहीं है तो आप जो है गूगल पे जो है इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आपने कमांड चलानी है nmap और उसके बाद में जो भी इसके आगे का जो आईपी एड्रेस है जो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा वो आईपी एड्रेस जो है वो एंटर कर देता हूँ। मैंने कमांड चलाई है nmap और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ जो भी मेरे रेस्पेक्टिव डिवाइस का है, ताकि मुझे ये भी पता चल सके कि मेरा मुझे जो लॉगिन जो पेज है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पोर्ट स्कैन करने के बाद जो है कुछ डिटेल देखने को मिल रही है और ये डिटेल क्या बता रही है यहाँ पे कि पोर्ट नंबर जो है यहाँ पर यू कैन सी 80 है, राइट, पोर्ट नंबर 80 है। सो पोर्ट नंबर 80 और यहाँ पे पोर्ट नंबर 554 जो है ये अभी ओपन है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है अगर पोर्ट नंबर 85 से फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 80 की जगह पे कोई दूसरा चेंज किया हो तो वो भी मुझे पता चल गया, राइट, क्योंकि जनरली पोर्ट 80 होता है डिफॉल्ट में, जो कि हमारे केस में अभी हमने इसमें चेंजेस नहीं करके रखे हैं। तो अभी इसी के जरिए हम एंटर कर सकते हैं बिकॉज उसी के ऊपर में जो है आपकी HTTPS की जो सर्विस है वो रन कर रही है। तो इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मुझे मिला है वो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और डालने के बाद एंटर करता हूँ तो यू कैन सी कुछ अलाउ मिल रहा है, अलाउ कर रहा है और उसके बाद में जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे CP प्लस का जो है आपको
लॉगिन स्क्रीन मिल चुकी है। अब ये आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है इसको कैसे बाईपास करते हैं या इसको किस तरीके से हैकर जो है इसको बाईपास करके कैसे लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है मेरा पेड कोर्स एथिकल हैकिंग का ज्वाइन कर सकते हैं tjmacat.com पे जाके, तो वहां पर आपको ये सब चीजें भी जो है समझने देखने को प्रैक्टिकल मिल जाएगा। अभी आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना है। आई होप कि आपको ये पता चल गया हो किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल कुछ ही दो कमांड चलाने के बाद आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है अबाउट एनी डिवाइस आप जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।